वेलकम टू माई चैनल गाइस क्योर हेल्थ। आप सब कैसे हैं? आई वेस आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो है डेली स्किन एंड हेयर केयर रूटीन के बारे में। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि विंटर में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो कुछ जाती है। खास एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये सब मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रोडक्ट शेयर करूँगी जो कि विंटर में आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा, या उससे आपको एक आइडिया मिलेगा लमसम कि आपको इसी तरह के प्रोडक्ट या विंटर में इस टाइप्स के आपको एक आइडिया लग जाएगी कि स्किन केयर में आपको विंटर स्किन केयर में हेल्प हो जाएगा। सुबह सूरज के निकलने से लेके हम रात तक की इस सब में आपकी ज़रूरतमंद चीज़ों को मैं बता दूंगी, जैसे कि आपकी स्किन बहुत अच्छी और ग्लोई रहेगी विंटर में बिल्कुल चलिए भी हम ड्राई। ड्राई अपनी नहीं वीडियो को है। स्टार्ट करते हैं, फेस वॉश करते हैं, शावर लेते हैं। तो इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हूँ, ये बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी एक साथ, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ मर्ज नहीं किया है। तो उसकी वीडियो भी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो में हम आपको, लोग दे जैसे कि देंगे। आप सभी जानते हैं कि हम लोग के मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होती है स्किन केयर में, कि हम लोग पहले अपना फेस वॉश करते हैं, देन उसके बाद हम लोग शावर लेते तो हैं, मैंने हेयर किया फेस वॉश रूटीन। से लेके हेयर वॉश, हेयर सीरम, हेयर पैक सबकी उसमें मैंने डिटेल दी है। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसीलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले फेस वॉश के बाद से हमारा फर्स्ट चीज़ होता है टोनर, तो हम टोनर से स्टार्ट करते हैं। तो विंटर में हमारे स्किन के लिए ये वाला रोज़ वाटर टोनर ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो हमें यही टोनर यूज़ करना चाहिए फेस वॉश के बाद। ये 150 का आता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो ये आपको मिल जाएगा। ये एक वाटर बेस पे रहता है और ये इसको यूज़ VLCC किया किया हुआ है, आपने? इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये VLCC का रोज़ वाटर टोनर है ऑल स्किन टाइप के लिए। तो हमारा फेस वॉश के बाद सेकंड ऑप्शन यही होता है कि हम अपने फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करें, जो कि टोनर इसका काम करता है। तो टोनर के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, वो होता है हमारा क्रीम। तो मॉइस्चराइजर क्रीम होता है, तो ये जॉनसन्स का मिल्क प्रेस राइस क्रीम है। टीनेज गर्ल्स की सॉफ्ट सॉफ्ट एंड सेंसिटिव स्किन होती है, अभी उनके स्किन डेवलप हो रही होती है, तो उनके लिए ये जॉनसन्स का मिल्क प्लस आइस क्रीम बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आप कोई भी एज वाली यूज़ कर सकते हैं, तो ये जॉनसन्स का आप ये क्रीम यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी क्रीम है, ये भी आपको 145 में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा बॉडी लोशन। तो हमारा ये मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स का बॉडी लोशन लिया है, तो ये बहुत अच्छा है, ट्रिपल विटामिन के साथ है, सिल्की स्मूथ स्किन कर देती है। इसमें विटामिन्स B3 एंड ई एंड सी का विटामिन्स है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। ये भी 250 का मिलता है, ये क्रीम बेस पे है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि विंटर में हमें हमेशा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिसकी ड्राई होती है वो तो बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो जाती है। मैं उसके लिए भी बता दूंगी एक अच्छा क्रीम, नाइट क्रीम, जैसे कि उनकी स्किन इतनी ड्राई नहीं रहेगी, एकदम नॉर्मल हो जाएगी, और जिसकी नॉर्मल ड्राई होती है तो उनको हमेशा क्रीम बेस पे यूज़ करना चाहिए। ऑयली स्किन वालों को हमेशा जेल बेस पे ही यूज़ करना चाहिए। तो ये है हमारे बॉडी लोशन, तो आप ये पॉन्ड्स का बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हैं, ये 250 में आती है, ये 250 का आता है, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम आते हैं सनस्क्रीन पे। तो हमारी सनस्क्रीन आप दो ले सकते हैं, तो ये विंटर में हम लोग, ऑब्वियस सी बात है, ठंड लगती है तो हम लोग धूप में जाते हैं, तो धूप के लिए आपको, अगर आप धूप में जा रहे हैं ठंड की धूप के लिए, तो SPF 50+ आपके लिए सही है। आप 30 भी यूज़ कर सकते हैं, 50 भी यूज़ कर सकते हैं, इसके बीच का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए ये बायोटेक का बायो सैंडल वुड है, 50+ SPF, UVA UVB सनस्क्रीन, अल्ट्रा सूथिंग फेस लोशन है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाटर रेजिस्टेंस है, ऑल स्किन टाइप है, तो ये बहुत अच्छा है। ये ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर चुका है लगा के, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये सारे स्किन टाइप्स के लिए है।
तो आप ये एक सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिसकी ड्राई स्किन है, तो ड्राई स्किन के लिए मैंने यहाँ पे ये जॉविस का सन कवर नेचुरल प्रोटेक्शन सैंडलवुड लिया है, जो कि SPF 30 में है। तो आप ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसकी ड्राई स्किन है वो जॉविस का यूज कर सके, ये भी मोस्टली खत्म हो चुका है। तो आप जॉविस का ये सन कवर नेचुरल सैंडलवुड का SPF 30 ले सकते हैं। इसका प्राइस 115 रुपीज़ है, तो ये भी आपको एफोर्डेबल है। तो आप ये जॉविस का भी आप ये बेस्ट ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। अब तो नेक्स्ट हमारे फेस की बात तो हो चुकी, अब हमारे नेक्स्ट हम लिप्स पे आते हैं। तो हमें लिप्स के लिए यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है, जिसकी बहुत ज़्यादा ड्राई है लिप्स। तो वो ये नेशन का श्रिया बटर ले ले, ये थोड़ा महंगा है, ये 350 के या 450 के अंडर आता है, थोड़ा सा ही आपको कॉस्टली पड़ेगा, पर पर्सनली ये मेरा फेवरेट है, बिकॉज ये बहुत इस मेरे लिप्स को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है, एकदम ड्राई नहीं होने देता। तो ये बहुत अच्छा है, काफ़ी देर तक लिप्स पे स्ट्रे रहता है, इसका मॉइस्चराइजर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये नेशन का शिया बटर लिप बाम बहुत अच्छा है, विटामिन ई के साथ। नेक्स्ट आप मेबिलिन का भी ले सकते हैं, बेबी लिप्स कलर का, इसमें आपको कलर शेड भी मिल जाएंगे इसका भी। तो ये मेरे पास पुराना है, इसका न्यू पैकेजिंग भी आया है, आप देख सकते हैं उसमें कलर्स भी मिल रहे हैं। तो आप ये मेबिलिन का बेबी लिप्स भी ले सकते हैं लिप। और फिर यहाँ पे ये जॉय का लिप बाम है, जो कि SPF 15 के साथ है, रेसबेरी के साथ। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ले सकते हैं, किसलिए कि इसमें एक ही तो ये लिप बाम का भी काम करेगा, और ये SPF 15 भी है, तो ये सन से भी आपके लिप्स को ड्राई नहीं करेगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं, अगर आप लोग कहीं भी बाहर जा रहे हैं विंटर में, अगर आप कहीं भी बाहर आउटिंग के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, या पिकनिक पे स्पोर्ट के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए मैं 2 क्रीम बता दे रही हूँ, जो टीनेज गर्ल्स, जो कि टीनेज गर्ल से लेके सारी एज की गर्ल्स यूज़ कर सकती है, वो वाइट टोन क्रीम है। तो ये वाइट टोन है, सॉफ्ट एंड स्मूथ, इसमें ये हाइड्रेट भी करता है, सन प्रोटेक्शन भी है। तो आप मॉइस्चराइजर के बाद ये यूज़ कर सकते हैं और आप बाहर जा सकते हैं। टीनेज गर्ल्स के लिए फाउंडेशन बिल्कुल भी यूज़ मत करें, उनका फेस अभी डेवलप हो रहा होता है, सेंसिटिव होता है, तो उनको फाउंडेशन या मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज उनकी खुद बेबी सॉफ्ट स्किन होती है। तो नॉर्मली वो मैं उनके लिए ये क्रीम सजेस्ट कर रही हूँ, वो व्हाइट टोन सॉफ्ट एंड स्मूथ क्रीम बस लगा सकती हैं, इससे भी उनके फेस पे बहुत अच्छा सा ग्लो और एक फेयरनेस आ जाएगा। तो वो ये यूज़ कर सकती हैं। सेकंड मैं बता दूं, जो 20+ एज की हैं, वो ये लॉरियर पेरिस का स्किन परफेक्ट पिंपल रिडक्शन प्लस वाइटनिंग क्रीम यूवी फिल्टर्स के साथ है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये आपका थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, ये 300 या 350 के अंडर में आ जाएगा, और ये आपको 75 का मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हेयर। तो हेयर हमारे बहुत ज़्यादा विंटर में रफ हो जाते हैं, या हम लोग धूप में बैठते हैं, तो सन प्रोटेक्शन की सन की वजह से भी वो काफ़ी रफ़ या हम लोग रफनेस आ जाती है हमारे हेयर्स में। तो हमें हेयर्स की हम बात कर ले, तो ये आप शैम्पू, आफ्टर शैम्पू आप ये अपने बाल में ममा अर्थ का प्रो ग्रोथ हेयर टॉनिक फॉर ममा का है, तो आप ये ममा अर्थ का ये हेयर टॉनिक ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। ये पैराबीन एसिलेस केमिकल फ्री है, कलर फ्री है, इसमें कोई मिनरल ऑयल नहीं है। तो ये मैं यहाँ पे अलग मैंने इसलिए लिया है, किसलिए कि इसका मैंने पूरा पैकेट मंगाया था, पैक आया था इसका, इसमें शैम्पू भी था, सिरम भी था। मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाऊंगी, किसलिए कि वो खत्म हो चुका है, मैंने उसको फिर से री ऑर्डर अगेन किया है। तो अगर वो आ जाएगा तो मुझे मिल जाएगा, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। आप लोग को अगर उस पर भी वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, तो मैं ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग सी अलग वीडियो बनाऊंगी। तो ममा अर्थ का ये प्रो ग्रोथ हेयर टॉनिक है, तो आप आफ्टर शैम्पू करने के बाद आप इसको अपने हेयर में लगा सकते हैं। तो ये इसमें कोई मिनरल ऑयल नहीं है, ये ऑल हेयर टाइप के लिए है, तो आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत 499 का आता है, ये 500 का आता है, ऑफर्स में आपको इसमें भी ऑफ मिल जाएगा। वैसे तो ये मैंने पूरा एक पैक मंगाया था, जिसमें इसमें सीरम, शैम्पू, कंडीशनर,
टॉनिक और ऑयल मिला था मुझे, तो इसका रिजल्ट काफी अच्छा है, आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हेयर सीरम की हम लोग बात कर ले, तो जिनके बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ हैं तो वो स्ट्रिक्स का प्रोफेशनल हेयर सीरम ये यूज़ कर सकते हैं। ये 210 का आता है, ये इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल होगा, तो आप ये हेयर सीरम यूज़ कर सकते हैं जिनके बहुत ज़्यादा रफनेस है, बाल में ड्राइनेस है। और ये लिवॉन है जो कि जिनकी ऑयली स्कैल्प है, वैसे तो हम लोग हमेशा सीरम स्कैल्प में नहीं लगाते, कभी भी गाइस स्कैल्प में सीरम मत लगाइए, हमेशा अपने लो अपर लेंथ से लेकर नीचे तक के लेंथ, ऊपर से नीचे लेंथ तक में ही लगाना चाहिए सीरम। तो आप ये लिवॉन भी ले सकते हैं। तो हेयर्स में भी मैंने सीरम में आपको दो ऑप्शन दे दिया है, एक स्ट्रिक्स का है एक लिवॉन का है, ये दोनों सीरम बहुत अच्छे हैं, तो आप ये दोनों यूज कर सकते हैं। और एक मेरे पास ये ऑलिव ऑयल है, ये जो कि बॉडी ऑयल है, अगर आप के पास कोई मॉइस्चराइजर, अगर आप मॉइस्चराइजर यूज़ करते तो सो गुड, उससे भी बेटर है कि आपकी स्किन हाइड्रेट करने में हेल्प करता है ऑलिव ऑयल। इसमें विटामिन ए डी ई होता है, सब नेचुरल है, तो ये बॉडी ऑयल बहुत अच्छा है, तो आप ये बॉडी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये 140 का है, तो ये पूरी तरह से, मतलब इसमें कोई भी वो नहीं है, कलर नहीं है या मिनरल ऑयल्स नहीं है, तो ये बहुत अच्छा ऑलिव ऑयल है, तो आप ये अपने पूरे बॉडी पे लगा सकते हैं, तो आपकी बॉडी बहुत, ये नरिश करता है आपकी बॉडी को, तो ये बहुत अच्छा ऑलिव ऑयल है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि नाइट में सोने से पहले बिफोर बेड हम लोग अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमें अपने फेस को क्लीन करके ही सोना चाहिए, और मॉइस्चराइजर लगा के, नाइट क्रीम यूज़ करके या मॉइस्चराइजर यूज़ करके। तो ठंडी है, एकदम कोल्ड वाटर आता है, तो मन नहीं करता कि रजाई या ब्लैंकेट से बाहर निकले और हम अपने फेस को वॉश करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ पे पैम्पर्स का क्लीन एंड फ्रेश, क्लीन मॉइस्चराइजर एंड फ्रेशनेस का आपके लिए वाइप्स लेकर आई हूँ, जो कि ये यहाँ से ओपन होता है, जिसका कि यहाँ से ये ओपन होता है, ये है, तो ये आप वाइप्स निकालिए, यहाँ पे ये वाइप अपने फेस से अच्छे से क्लीन कर लीजिए, आपका फेस एकदम क्लीन हो जाएगा, जितने भी दिन भर के डर्ट्स एंड पॉल्यूटेंट फेस होगा, आपको पानी में भी जाने की ज़रूरत नहीं, आपका फेस भी क्लीन हो जाएगा। और मैं आपको बता रही थी कि हाँ, बहुत ज़्यादा अगर आपकी ड्राई, इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट लगते हैं और आपके घर में इजीली किचन में अवेलेबल होगा, किचन में अवेलेबल होगा। तो फर्स्ट है आपका ये बोरो प्लस, तो आपको थोड़ा सा अपने हैंड पाम में बोरो प्लस लेना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपको सेम क्वांटिटी का, जितना आपने अपने फेस और नेक को कवर कर ले इतना ही, और हैंड को उतने अमाउंट में आपको अपने हैंड पे, पाम पे थोड़ा सा ये बोरो प्लस क्रीम लेनी है। देन आपको उसमें मलाई मिलानी है, जो हमारी दूध रखने ठंडा होने के बाद ऊपर से उसके एक लेयर मलाई की जो जम जाती है, आपको वो मलाई थोड़ी सी लेनी है, और दोनों को अपने पाम पे मिक्स करना है, थोड़ा सा गरम करना है, जब थोड़ा हल्का गरम हो जाए आपके हाथ में, आप जब अच्छे से रब करेंगे दोनों हाथ में, तो वो रब करने के बाद देन आप अपने फेस, नेक और हैंड पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए और सो जाइए, आपका स्किन एकदम सॉफ्ट एंड हाइड्रेट एंड रिफ्रेश, आपको सुबह एकदम फ्रेश फील होगा, आपकी स्किन थोड़ी सी भी ड्राई नहीं होगी, आप उसी को लिप्स पे भी लगाइए, नेक पे भी, फेस पे भी एंड हैंड पे भी लगा के आप सो जाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आई विश गाइज, आप, आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी या इससे ज़रा सी भी आई, और मैं ये नहीं बोल रही, जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं वो, जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही प्रोडक्ट लें, या आपके पास इससे रिलेटेड भी प्रोडक्ट होंगे तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको, मैंने ये आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि सिर्फ आपको एक आइडिया मिल सके कि हाँ, ड्राई स्किन के लिए हमेशा क्रीम बेस ही यूज़ करें, और जेल बेस हमेशा ऑयल स्किन वाले विंटर में भी यूज़ करें।
तो इससे आपको आइडिया मिल गया है, तो आप अपने प्रेफर से, आपकी जो भी प्रेफरेंस है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्किन केयर रूटीन बना सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं उससे रिलेटेड। तो मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि आपको एक आइडिया मिल जाए स्किन केयर रूटीन का। अब मैं ये सब प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए ही आपको बता रही हूँ, तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको इससे रिलेटेड या आपको और कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी वीडियोस मैं और भी बना सकूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट।